अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दोस्तों हम हिबिस्कस यानी कि गुड़हल की कटिंग ग्रो करेंगे। ये मैंने गुड़हल के पौधे से कटिंग काटी है। ये पेंसिल साइज की लेनी है, 5-6 इंच की कटिंग हो उसका साइज। जो कटिंग का पत्तियां सारी आपने रिमूव कर देनी है। इस तरह आपने कटर की मदद से हाथ से ये पत्तियां रिमूव कर देनी है और इस तरह की कटिंग बना लेनी है। कोई एक पत्ती भी ना हो, बस छोटी सी कोई एक दो पत्तियां रह भी जाए तो कोई नहीं। बड़ी पत्तियां जो हैं या जो टहनियाँ हैं उनको काट देना है, बिल्कुल रिमूव कर देना है। पत्तियों को छोड़ देंगे तो ये एनर्जी लेती हैं और जब ये ड्राई होती हैं बहुत टाइम लेती हैं तो इनकी जगह नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से छोटी छोटी कलमें बना लेनी है। हम अपनी ज़बान में कलमें कहते हैं कटिंग, तो इंग्लिश ज़बान में इस तरह ये कलमें बना लेनी है। और ये छोटे छोटे पत्ते हैं इनके, इन्हें छोड़ भी दें कोई नहीं, बहुत मोटी भी होता ग्रो हो जाती है। इस मिट्टी में मैंने गोबर की खाद डाली है और गार्डन की मिट्टी है आम जो नर, और इसको अच्छे से मैंने पानी दे दिया है और इसमें मैंने ये लगा दिए। बस इसमें इनको शेड में रखना है। साथ में मिट्टी अच्छे से दबा देनी है और अच्छे से एक बार पानी इसको दे देना है। नेक्स्ट जो पानी इनको लगाना है, फिर इनकी मिट्टी जो ड्राई होगी तब भी ये अच्छे से मैंने इनको पानी दे दिया है और अब हम इनको शेड में रख देंगे। और ये है 10 दिनों के बाद का रिजल्ट, कितनी अच्छी सी कॉम्प्लेन निकल रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। कोई फर्टिलाइजर कोई कुछ मैंने नहीं दिया, बस सिर्फ गोबर की अच्छी तरह गली सड़ी खाद थी वो मिक्स की है मिट्टी में और इनको अच्छे से पानी दिया है और शेड में रखा है। जब से ये सारा साल सरसब्ज रहता है और बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। आप इसको ज़रूर कटिंग से ग्रो करें, कहीं से भी इसकी कटिंग लाएं और इसको ज़रूर कटिंग से लगाएं।